हेलो एंड वेलकम बैक टू एस एस क्रैक एग्जाम्स मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आ सकता है रूल फोकस वी विल सॉल्विंग द क्वेश्चन दोज रूल्स विल ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो विदउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद समचन्स दट वी आर गोइंग टू सॉल्व टूडे अलॉन्ग विदरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स बिहाइंड इट So first of all we are going to start with reading the directions. So it says that each item in this section has a sentence with three parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter. That is A or B or C. If you find no error your response should be indicated as D. So yani जो आपके सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन में इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ए बी सी आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है सो फॉर एग्जांपल आपको अगर लगता है ए पार्ट में एरर है तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा लेकिन अगर आप सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं uh, मिल रहा है आपको यू कैन नॉट फाइंड एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और आपको लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपको उस केस में आंसर लिखना है एज डी विच मीन्स नो एरर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन वन बाई वन एंड यू विल नो गुड ब्रिटिश लाइब्रेरी इन दिटी एंड एनी वन इंटरेस्टेड इन बुक्सिलिटी पहली नजर में आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आंसर डी है बट द आंसर इज नॉट डी इन फैक्ट इज सी सी पार्ट में एरर है है जब भी आप ये टर्म यूज करोगे अवेल ऑफ सम फैसिलिटी समथिंग तो जो ये चीज को अवेल कर रहा है जो इस चीज का फायदा उठा रहा है फायदा ले रहा है यू आर गोइंग टू मैंशन दैट पर्सन प्रोनाउन बट इन वट फॉर्मैट दैट प्रोनाउन शुड नॉट बी मेंशनड इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मैट इट शुड बी मैंशनड इन रिफ्लेक्सिव या फिर जिसको आप कभी कभी एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं इस फॉर्मेट में हमको यूज करना है यानी इट शुड बी वट एवर प्रोनाउन माई योर

Uh, जब आप किसी भी चीज का केयर रखते हो केयरफुल यू डू नॉट यू आर नॉट केयरफुल फॉर समथिंग यू आर केयरफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और अबाउट दैट थिंग तो यहां पे फॉर देयर हेल्थ नहीं होगा यहां पे हो जाएगा केयरफुल ऑफ और अबाउट देयर हेल्थ तो बी पार्ट में एरर था इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन Once we have agreed on the fundamentals, there will hardly be anything left to discuss about. Again, आपको लग सकता है पहली नजर में that there is no error in the sentence, but let me tell you, there is definitely an error. और ये बहुत ही छोटा error है और बहुत ही important error है जो बहुत candidates बहुत easily इसको miss कर सकते हैं तो आपको ये miss नहीं करना है जब भी आप ये word discuss को देखेंगे उसके आजू बाजू देख लेना है कि उसके बाद कोई preposition use हो रहा है या नहीं जैसे इस केस में discuss के बाद about use हुआ है तो अगर कोई भी प्रेपोजिशन डिस्कस के बाद यूज हो रहा है देन इट विल बी रॉन्ग बिकॉज डिस्कस इज अ सेल्फ सफिशियंट वर्ड इट डज तो नॉट नीड एनी प्रेपोजिशन टू बी यूज आफ्टर इट सो इट विल बी सफाइज टू से एनी थिंग विल नॉट यूज एनी प्रपोजिशन ऑफ अबाउट ऑन वट एवर ओके सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर पार्ट सी में ये मिस्टेक था विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक और बहुत बच्चे इसको मिस कर जाते है तो आपको ये मिस नहीं करना है आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आई डिड आस्क हिम वर यू बट ही टेल मी ये बहुत है बेसिकली मैंने ये पहले भी आपको जब भी मैं सेशन ली थी वहां पे मैंने बताया था दैट द सेंटेंस फॉर्मेट शुड ऑलवेज बीन एस वी ऑलवेजर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर और सिर्फ इन इन क्वेश्चन सेंटेंस ये ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है ठीक uh, है तो बेसिकली वाई वेर वे वेन जो भी है इंटरोगेटिव वर्ड्स वो यूज होता है उसके बाद वर्ब आ जाता है और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट यूज होता है जहां पे ये ये वाला फॉर्मेट हम यूज करते वर्ड कहाँ थे लेकिन ये एक सेंटेंस में यूज हो रहा है सो वी विल नॉट यूज इट इन दिस फॉर्मेट वी विल यूज इट इन एस वी ऑर्डर सो वहां पे क्या हो जाएगा वर्ड यू वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ड यू वर्ड सो बी पार्ट में एरर था सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ये भी बहुत ही कॉमन एरर है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं एंड अगेन पीपल मिस दिस बिकॉज उनको लगता है ये सही है बट इट इज नॉट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल वेट फॉर यू एट ऑफिस टिल यू विल फिनिश योर वर्क यहाँ पे देखो दो बार फ्यूचर टेंस यूज हुआ है मैं आपके लिए वेट करूंगी और आप अपना काम खत्म करोगे अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे गलती क्या है दोनों ही तो फ्यूचर में होने जा रहा है लेकिन यहाँ पे है टिल कंडीशन यूज हुआ है यानी दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस जब तक आपका काम खत्म नहीं हो रहा है मैं तब तक वेट करूंगी या अगर आपका काम खत्म हो गया तब मैं आपके लिए आप आपके पास आऊंगी आपके साथ मिलूंगी वट एवर कंडीशनल सेंटेंस जब भी यूज होता है तो दोनों ही चीज फ्यूचर में होता है जब तक आप काम खत्म नहीं करते तब तक मैं आपके लिए वेट कर रही हूं दोनों ही फ्यूचर में हो रहा है जिस भी चीज में सो देर आर बेसिकली टू इवेंट्स विच हैपन इन फ्यूचर और जिस एक इवेंट पे दूसरा इवेंट का होना डिपेंड करता है जैसे यहां पे आपके काम खत्म होने पर मेरा वेट करना डिपेंड करता है. है ना मैं जब तब तक वेट करूंगी जब तक आपका काम खत्म नहीं होता तो जिस भी इवेंट पे दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा वो इवेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और जो इवेंट डिपेंड कर रहा है दैट इज द सेकंड इवेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट इवेंट दैट सेकंड इवेंट विच विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे यहाँ पे आई विल वेट फॉर यू ये किस पर डिपेंड कर रहा है जब तक आपका काम खत्म नहीं होता तो दिस इज आर फर्स्ट इवेंट हियर. ऑन दिस द सेकंड इवेंट माई वेटिंग इज डिपेंडिंग राइट तो यहां पे वी विल नॉट यूज

नेक्स्ट क्वेश्चन यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टेंस के बारे में बात हो रहा है दोनों चीज ही कल हुआ था जब मैं मार्केट जा रही थी तब मुझे अपना पुराना दोस्त मिला था लेकिन एक है सिंपल पास्ट में और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में विच इज अगेन वेरी मच रॉन्ग इट विल ऑल्सो बी इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट सो बी पार्ट में एरर था आंसर विल बी ऑप्शन बी Next question. His car is more bigger than that of any of us. Again, very, very uh, prominent error that we can see here. Here, double comparative use is more and bigger, which is a big no no in English grammar. यहाँ पे जब आप कम्पेरेटिव यूज करोगे ये रूल है इट शुड बी ओनली वन एडजेक्टिव विच विल बी इन कम्पेरेटिव मोड प्रोबेबली बिगर नॉट मोर सो इट शुड बी हिज कार इज बिगर दैन दैट ऑफ एनी ऑफ़ अस ठीक है ये सफिशियंट है बोलना सो बी पार्ट में मोर यूज हो रहा था विच इज रॉन्ग सो बी इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका मेरे बहुत सारे अंकल्स हैं उसमें से एक अंकल अमेरिका में डॉक्टर है सो इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस लाइक दिस यू विल फाइंड नो एर और अगर आपका आंसर डी आ रहा है यू आर एब्सोल्यूटली राइट इसका आंसर डी होगा बिकॉज देर इज नो एरर इन द

Where is the error? It is with the use of the word hung. Now, you will say hung, ma'am, ma he was sentenced to death. So, uh, you know, he was uh, hung. But this is not the word that we use for fasi. Hang is a past as well as past participle form of hang. When you use it to hang inanimate objects like clothes, like any kind of food packets or anything. मतलब जब भी कोई चीज आप लटका रहे हो कहीं से आप हैंग का जो V2 और V3 पास्ट और पास्ट थ्री पास होगा उसके लिए आप हंग यूज करोगे लेकिन जब आप फांसी लगाने की बात कर रहे हो अ पर्सन हैज यू नो पुट द नूज अराउंड हिज नेक और वो फांसी लगा लिया है इन दैट केस वी यूज फॉर V2 टू एंड वी थ्री फॉर्म ऑफ हैंग एज हैंग तो ये हैंग का ही V2 और V3 फॉर्म हो जाएगा फॉर पर्सन जिनका फांसी हुआ है जिन्होंने लट, you know, फांसी दिया है सो so, इस केस में the criminal has been hanged, okay? so, पे होगा, नॉट हंग तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना तो इसका आंसर हो जाएगा देर फॉर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब यहां पे आप अगर देख सकते हो दो डिफरेंट टेंसेस यूज हुआ है सेट इज इन पास्ट विल हेल्प इज इन फ्यूचर तो ये गलत है उन्होंने कहा था कि वो मुझे हेल्प करेगा तो उस केस में पूरा सेंटेंस विल बी इन पास तो यहाँ पे विल की जगह हो जाएगा ही वुड हेल्प मी तो बी पार्ट में एरर था आंसर विल बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक मोस्ट यंग विमेन लिविंग एट होम्स आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज वॉट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स तो यहां पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी पे एरर कहा बता देती हूँ इट इज विद द यूज ऑफ द फ्रेज एट होम्स अब आप बोलोगे मैम सबका घर है अलग अलग तो बहुत सारे घर मिला के होम्स हुआ बट दैट इज नॉट सो होम डज नॉट हैव एनी प्लूरल इफ इट इज यूज इन द सेंस ऑफ घर द प्लेस दैट यू आर लिविंग द रेसिडेंस बट अगर कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे ऑर्फेनेजेस uh, हो सकता है ओल्ड एज हो सकता है ओल्ड एज होम्स हो सकती है तो उस केस में वी यूज होम्स ऑर्फेज होम्स ओल्ड एज होम्स तो होम का प्लूरल तभी यूज होगा जब ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को समझाएंगे नॉट इन देंस ऑफ घर एज वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस बहुत सारे यंग लड़कियां जो हैं वो अपने घर में रह रही है नॉट इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सो इस केस में वी कैन नॉट यूज इट्स प्लुरल फॉर्म Here. It should be at home only. तो बी पार्ट में एयर था यह हमारा देर फोर आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल है अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे यहां पर बताया जा रहा है कि अगर वो स्लोली ड्राइव करता भी तो ये बहुत इम्पॉसिबल था उसके लिए एक्सीडेंट को अवॉइड करना पूरा चीज ही पास्ट में बात हो रही है इसका मतलब है एक्सीडेंट हुआ है उसका उसने स्लो ड्राइव नहीं कर रहा था तो यहां पे क्योंकि पूरा सेंटेंस पास में पूरा इवेंट पास में है वी कैन नॉट यूज विल हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज नहीं कर सकते इट शुड बी पास्ट इट वुड हैव बीन तो विल का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे ठीक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू रेलवे लाइन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अगेन पहली नजर में आपको लग सकता है दैट देर इज नो एर बट देर इज डेफिनेटलीर इट इज इन पार्ट सी कहाँ पे है ईस्टर्न विच टॉक्स अबाउट एनी डायरेक्शन ठीक है उससे पहले हमें आर्टिकल द यूज करना पड़ता है दिस इज अगेन एनऑदर वेरी इम्पोर्टेंट रूल ऑफ आर्टिकल्स एवर यू आर यूजिंग टू शो डायरेक्शन ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट साउथ ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट आपको द यूज जरूर करना पड़ेगा

प्रेजेंट में है यहाँ पे गलत है इट शुड बी वॉट नॉट ओनली वी विल नॉट चेंज इट टू पास एंड इट डिड आई वॉन्ट हो जाएगा क्योंकि एस बी ओ ऑर्डर फॉलो करेगा दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अटेंस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल किसी के साथ शादी होती है हिंदी में हम कहते हैं बट इंग्लिश में आप किसी से शादी करते हो सो नॉट विथ इट शुड बी ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल सो यहाँ पे प्रेपोजिशन विथ नहीं टू यूज होता है विथ मैरी सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन शी सेट दैट मी वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी अगेन डिफरेंट टेंसेज आर यूज सेट इज इन पास्ट विल हेल्प इज इन फ्यूचर टेंस एंड वॉज इज अगेन इन पास सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही पास में होगा सो इंस्टेड ऑफ विल बी विल यूज शी वु हेल्प मी सो बी पार्ट में एरर था आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नीदर राकेश नॉर आई लिविंग फॉर हैदराबाद तो यहाँ पे दो दो चीज चेंज होगी यहाँ पे दो अलग इंसान है राकेश भी नहीं जाएगा मैं भी नहीं जा रहा हूं या जा रही हूं तो so दोनों ही सिंगुलर यू नो सब्जेक्ट्स है आपको पता है नीदर नॉर जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होता है लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर है पर प्रॉब्लम ये है कि आर है दैट्स गुड लेकिन करेक्ट कौन सा वर्ब यूज होगा विल इट बी इज और विल इट बी एम विल द वर्ब फॉलो राकेश और विल द वर्ब फॉलो आई सो जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर वर्ब वो इसके सबसे करीबी सबसे नियरेस्ट सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो इसका सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन है आई सो अकॉर्डिंग टू आई वी आर गोइंग टू यूज एम हियर नीदर राकेश नॉर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद So B will be the right answer here. Okay. Next question. Death is preferable than life. ये बहुत ही important rule पे है जब भी आपको word prefer, preferred, preferable, preferring ये word देखोगे उसके बाद देख लेना कौन सा preposition use हुआ है 99% times they will use the preposition than और वो ही होगा गलत क्योंकि prefer के साथ आप कभी भी than use नहीं करते हो You use to with prefer. पे होगा टू वहां answer राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नो सूनर वी एंटर्ड दैन ही up एंड left द रूम नाउ नो सूनर के साथ दैन यूज होता है ये देखते ही आपको अगर लग सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है देर विज नो एरर देन आप गलत हो आपको सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि नो सूनर के साथ क्या यूज हो रहा है दान यूज हो रहा है वेन यूज हो रहा है ठीक है आपको ये भी देखना है कि नो सूनर के बाद जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो जैसे द द सब्जेक्ट एंड वर्ब यू आर यूजिंग शुड बी फॉर्म यानी अगर सिर्फ पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा हो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जैसे यहाँ पे एंटर्ड है इसको आपको तोड़ना है डिड प्लस वी वन में डिड प्लस मेन वर्ब में और डिड यूज करना है We से पहले सब्जेक्ट से पहले और वी वन यूज करना है सब्जेक्ट के बाद तो यहाँ पे एंटरड को अगर आप तोड़ोगे डिड प्लस एंटर होगा तो आपको लिखना है ड्रो सूनर डिड वी एंटर ही अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ वी थ्री फॉर्म यूज हो रहा हो हैड के साथ एंटर्ड यूज हो रहा हो या हैड के साथ कोई भी वी थ्री फॉर्म यूज हो रहा तो वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद V3 थ्री फॉर्म यूज हो सकता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसको याद रखना फॉर नो सूनर हार्डली स्केर्सली बेरली ये सबके साथ यूज होता है ठीक है तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिकॉज पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूज आफ्टर नो सूनर इज रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन द विलेजेस फ्लड अवे देयर हाउस वेन दे सॉ द फ्लड वॉटर राइसिंग अब अगेन आपको लग सकता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा नहीं है देर इज एन एरर इन पार्ट ए दैट इज विद यूज ऑफ द वर्ड फ्लेट अवे फ्लेट इज द वी टू फॉर्म विच कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्ली जिसका मतलब ही है टू एस्केप फ्रॉम समथिंग किसी चीज से भागना तो यू कैन नॉट यूज फ्लड अवे देयर हाउसेज यू कैन नॉट यूज अवे आफ्टर फ्लैड यू दर यू से विलेजेस फ्लड फ्रॉम देयर हाउसेस वेन दे सॉ द फ्लड वॉटर राइजिंग ठीक है सो अवे फ्ली या फ्लैट के बाद यूज आप नहीं करोगे सो ए पे यहाँ पे एरर था तो ए हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है दैट मी इज अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस इसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते सो इधर यू कैन से आई एंड माई वाइफ और मोर प्रिसाइसली मोर यू नो राइटली यू कैन से माई वाइफ एंड आई बिकॉज़ कभी भी अगर आप प्रोनाउंस को यूज कर रहे हो ऑब्वियसली हम किसी और को पहले रखते उसके बाद खुद को रखते हैं सो माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट तो उस केस में वर होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स हैं सो आंसर विल बी ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू आल्सो वेरी इजी एरर लास्ट सैटरडे कोलैप्स कर गया है ऑलरेडी कर गया था लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट uh, फॉर्म में यूज हुआ है वर्ग कोलैप्स जो की गलत है अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन बीच इन ममलपुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी वीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड आइटम्स यहाँ पे अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक नहीं होगा वी से ऑन हिज मॉर्निंग वॉक अपने मॉर्निंग वॉक पे सो यहां सी पार्ट ए पार्ट में एरर है एंड दैट विल बी अर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द टू मेन वर क्वारलिंग विथ वन एंड क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन यहां पे दो लोग अपने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं सो इन दैट केस वेन देर आर टू पीपल इन्वॉल्व नॉट से वन एंड अदर वी सेन एंड अदर हम दो से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व है उनके लिए यूज करते हैं सो बी पार्ट में एरर होगा वी विल नॉट यूज वन एन अदर वी आर गोइंग टू यूज ईच अदर सो आई होप दैट द क्वेश्चन आर बी क्वाइट क्लियर टू यू आपको बहुत सारे एरर्स और रूल्स के बारे में भी पता चल गया है वैर यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आपको ऐसे ही सेशन की जरूरत है प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग आर लाइव क्लास कोर्सेज विच हैव करेंटली बिगन फॉर योर अपकमिंग एनडीएस एंड एफ कैट एग्जामिनेशन और आप हमारे लाइफ प्लस बैचेज में ज्वाइन uh, होके हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, करो और अपना जो प्रिपरेशन uh, है फॉर द एग्जाम उसको और भी स्ट्रांग बनाओ और अगर आप बाकी कोई भी रिटर्न डिफेंस एग्जाम के लिए भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं देखना चाहते हैं प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है सो डाउनलोड अर ऐप टू एंड मेक श्योर टू टू यूज द कोड वॉरियर टेन सो दैट यू गेट एन एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड आई होप दैट द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू मैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी कुछ और स्पॉटिंग इयर्स के क्वेश्चन लेके टेन स्टे टून विदर्स एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड जय अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस इंटरव्यू एनडीए सी डी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं